हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम आप लोगों को वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर, ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर सिलेबस, न्यू सिलेबस का। इसका सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। पहला पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड कर लिया था, हो सके उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सेकेंड पार्ट है। इसके पहले थोड़ा हम बता देते हैं कि जो इसमें नरेटर, ये पहले तो इस चैप्टर का जो राइटर है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, उन्होंने इस पार्ट को लिखा हुआ है। और इस पार्ट में एक यात्रा वृत्तांत है, ओवेज वाले समुद्री यात्रा के बारे में बताया गया है, जो कि नरेटर जो है अपनी पत्नी की और दो बच्चों के साथ, जो नाथन और सुजैन के साथ एक यात्रा पर निकला है, देश की भ्रमण करना चाहता है पूरे संसार की, जैसे कि जेम्स कुक ने पिछले 200 साल पहले किया था। तो उसी यात्रा को, ये यात्रा के लिए अपनी नाव में से निकला है। इसकी नाव जो है वेव मेकर, इसकी नाव का नाम है। और उस नाव को उसने काफ़ी अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है। लेकिन जैसे ही वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचता है, दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन शहर से थोड़ा आगे बढ़ता है, करीब 3000 किलोमीटर के आगे, तो वहाँ पर फिर समुद्री तूफान इनको बहुत परेशान करते हैं। ऐसे तूफान थे जहाँ पर इनके जीवन, इनको लगा कि एक समय लगा कि इनका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन संघर्ष किया उन्होंने, धैर्य रखा अपने ऊपर। और उसी का आगे है कि उनकी जो नाव थी डैमेज हो गई, पलट गई नाव, ये भी जो गिर पड़े, लेकिन उन्होंने नाव की रेलिंग नहीं छोड़ी और इनके चोट लग गई सर पर, मुंह में खून भर गया क्योंकि दांत टूट गए थे, बाएं पसली भी चटक गई थी, यानी काफ़ी कुछ डैमेज हो गया था। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, नाव को पकड़े रखा और पूरी नाव में पानी ही पानी भरा था, जिसके कारण अब आगे देखिए लिखा हुआ है, लैरी एंड हर्ब वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन, पागलों की तरह लैरी और हर्ब, यानी जो इनके साथ दो नाविक थे जिन्होंने अमेरिका के नाविक थे जो जिनको इन लोगों ने लिया था साथ में, वो पागलों की तरह पानी फेंक रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, लकड़ी के जो टुकड़े थे नाव के जो डैमेज हिस्से थे, हंग एट क्रेजी एंगल्स फार होल स्टारबोर्ड साइड बगल इनवर्ड, यानी जो टूटे हुए हिस्से थे टेढ़े मेढ़े इधर उधर लटके हुए थे, और जो नाव का जो दाईं तरफ का हिस्सा था वो अंदर से उभर गया था, बल्गिंग हो गया था, बल्ग माने होता है उभरना, उभरा हुआ था। और कपड़े, क्रॉकरी और चार्ट, नक्शे वगैरह, टिन्स, डिब्बे, खिलौने, सब स्लैश्ड अबाउट इन डीप वाटर, गहरे पानी में क्या कर रहे थे, तैर रहे थे, यानी सब कुछ इधर उधर अस्त व्यस्त हो गया था। इसके बाद राइटर कहता है कि, नरेटर बता रहा है कि आई हैव स्वर्म, मैं आधी दूर तैर करके, कुछ दूर तैर करके, कुछ दूर क्रॉल ड्रैग करके बच्चों के केबिन पहुंचा, यानी जहां बच्चे थे वहां पर पहुंचा, पूछा आर यू ऑल राइट, क्या आप लोग ठीक ठाक हैं, तो बच्चों ने कहा यस, बच्चों ने कहा हाँ हम ठीक हैं। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बर्थ, अपर बंक, यानी अपर बंक जैसे ट्रेन में होता है ऊपरी सीट अपर बर्थ बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी है, अपर बंक लिखा है, यानी ऊपरी सीट से या अपर बंक से जवाब दिया उन्होंने ऊपर की सीट से, कि और कहा कि बट माई हेड हर्ट से बिट सेड सुई सू, यानी जो लड़की थी सुजैन जिसका शॉर्ट फॉर्म है सू, उन्होंने कहा कि उस लड़की ने बताया कि लेकिन मेरा सर दुखता है, यानी मेरे सर में चोट लगी है, यानी उसने कहा मेरे सर पर चोट लगी और इशारा किया आँख के ऊपर एक मतलब एक जैसे वो निकल आता है, सूज गया था उसका चेहरा, मतलब आँख के ऊपर हिस्सा सूझा हुआ था। तो लेकिन राइटर कह रहा है आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट, लेकिन मुझे उस समय उनके जो उभरे हुए हिस्से मतलब जो चोट लगी थी उसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि चिंता उसको थी नाव को बचाने की। तो आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रू एंड कैनवास, हैमर माने होता है हथौड़ा, स्क्रू माने पेचकस, एंड कैनवास यानी कैनवास लेकर के, मतलब ये जब मिल गया तो आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन टेक, फिर मैं आया संघर्ष करने के लिए, यानी जो कठिनाई झेलनी थी वो झेलना था, यानी कठिनाई को सामना करना था। विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन,
यानी जो कि नाव का जो दाहिना तरफ जो टूट गया था और वहाँ पर जो बैस्ट ओपन खुल गया था और वी वेयर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, और प्रत्येक लहरों के साथ हम पानी प्राप्त कर रहे थे, यानी प्रत्येक लहर के साथ पानी उसके अंदर से आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो कि अगर कह दैट ब्रोक ओवर अस, यानी पानी अंदर आ रहा था लेकिन कह रहा कि इफ़ आई कुड नॉट मेक सम प्रिपेयर, अगर मैंने उनको रिपेयर नहीं करता, अगर उसको मैं ठीक नहीं करता तो वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से डूब जाते। यानी जब नाव टूटी तो कुछ हिस्सा जो था दाईं तरफ से मतलब नीचे से टूट गया था, तो उससे पानी की लहरें मतलब जैसे ही लहर तेज आती तो उससे पानी अंदर जाता तो नाव में पानी ज़्यादा भर रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए वहाँ पर वो पेचकस लेकर के गए थे और हथौड़ा लेकर के कैनवास लेकर के। तो अगर कह रहा राइटर नरेटर कह रहा है अगर मैंने मरम्मत ना की होती तो हम निश्चित ही डूब जाते हैं, निश्चित ही डूब जाएंगे। सम भाव किसी तरह से आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, तो इन्होंने क्या किया कि जो कैनवास ले गए थे, कैनवास एक तरह का तंबू होता है, तो स्ट्रेच कर दिया, फैला दिया उसके ऊपर। सिक्योर वाटर फूल हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो होल्स हो गए थे उसमें हमने पूरी तरह से उसमें हैच ओवर कर दिया, अक्रॉस द वाटर वो जो ले गए थे वाटर प्रूफ कैनवास उसके ऊपर ढक दिया उसको। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, अभी भी कुछ पानी नीचे से आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ वाटर नाउ बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब जो पानी आ रहा था बहुत अधिकांश हिस्सा उस पानी का डिफ्लेक्ट होकर के वापस समुद्र में जा रहा था, तो वो नाव पर पानी रुक नहीं रहा था, तो अब वहाँ पर उसको इतनी समस्या नहीं हो रही थी, लेकिन आगे समस्याएँ और आ रही हैं। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, लेकिन अब समस्या और शुरू हो गई कि उनके जो हैंड पंप थे जिससे वो पानी निकाल रहे थे वो ब्लॉक हो गए, यानी बंद हो गए। विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड, कैसे बंद हो गए, यानी कचरे से, जो कचरा आसपास का था उसमें जाकर फंस गया, तो उनका हैंड पंप जो था वो जिससे पानी निकाल तो ब्लॉक कर गया। और क्या हुआ, एंड द कैबल्स अराउंड द कैबल्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पम्प था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया, उसमें इलेक्ट्रिक वायर की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से उनका वो भी पम्प इलेक्ट्रिक पम्प भी शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पानी का जो लेवल था बढ़ रहा था खतरनाक तरीके से, यानी थ्रेटनिंगली आश्चर्यजनक तरीके से तेज़ी से बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक फिर से आई फाउंड दैट टू स्पेयर पम्प हैंड पम्प, मैंने पाया डेक में ही पाया मैंने, यानी दो पुराने स्पेयर हैंड पम्प पड़े हुए थे, हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, कहाँ पर पड़े हुए थे ओवरबोर्ड, यानी कि मतलब वहीं पर डेक पर ही मतलब पड़े हुए थे दो अतिरिक्त पम्प, और वो टूट कर क्या हो गए थे, नाव से अलग हो गए थे। और आगे लिखा हुआ है कि हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड अलॉन्ग विद द फॉरेस्टली सेल द जिब द डिंगीज एंड द मेन एंकर, और साथ ही एक आग वाला पाल, तिकोना पाल और डिंगिया तथा प्रमुख लंगर भी, यानी वहाँ पर ये सब सारी चीज़ें क्या थी, पड़ी हुई थी, जहाँ पर इनको दो हैंडपम्प मिले हुए थे वहीं पर इनका ये भी सामान पड़ा हुआ था। देन आई रिमेंबर, तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प, कि हमारे पास कुछ दूसरे पम्प भी हैं इलेक्ट्रिक वाले, अंडर द चार्ट रूम की फर्श पर कुछ अलग मतलब कुछ इलेक्ट्रिक पम्प पड़े हुए हैं, कनेक्टेड इट एंड आउट पाइप, तो मैंने बाहर से इसको कनेक्ट कर दिया, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वॉज, और धन्यवाद दिया उसको कि वो काम कर रहा था, यानी कि जब वो काम करने लगा तो मैंने उसको धन्यवाद दिया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग ऑन द रेडियो, वो जो रात थी, ड्रैग्ड ऑन माने होता है संघर्ष करना, पूरी रात संघर्ष करते हुए बीत गई, और कैसी रात, विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड, यानी कभी ना समाप्त होने वाली कड़ाके की ठंड के बीच में, रूटीन ऑफ रात कैसे बीती, पंपिंग
यानी पानी निकालने में, स्टीयरिंग नाव चलाने में, एंड वर्किंग ऑन रेडियो, और काम करते हुए रेडियो पर। वी वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मे डे कॉल्स। मे डे कॉल्स का मतलब होता है कि जो मैसेज दिए जाते हैं, मतलब जहाँ से संपर्क इनके, मतलब जो सर्विस, जो सेंटर होते हैं नेवी के अधिकारियों के या नेवी ऑफिस में, तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। वी वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू अवर मे डे कॉल्स, यानी जो ये कॉल कर रहे थे कि प्रॉब्लम है, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी क्यों ऐसा क्यों था, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक इलाका था, संसार का सबसे ज़्यादा मतलब सुदूर कोने में थे, बहुत दूर भी थे, और वहाँ से एक तो समस्या नेटवर्क वगैरह समस्या होती है, बात नहीं हो पा रही थी, तो उनको कोई मैसेज कर रहे थे तो उनका जवाब नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत दूर थे, संसार में दूर थे, और बहुत ही ऐसी जगह पर थे जहाँ पर मौसम भी बहुत ख़राब था, तो कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी। सूज हेड स्वॉलन अलार्मिंगली, खतरनाक तरीके से सूज गया था, जो उसका सिर में चोट लगी थी आँख के ऊपर, वो बहुत खतरनाक सूज रही थी। सी हैड टू इनोमोरस ब्लैक आइज, और उसकी आँखें बहुत ज़्यादा सूज गई थी, चोट की वजह से आँखों पर असर पड़ता है तो आँखें सूज जाती हैं। नाउ सी सोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, इसके बाद उसने एक गहरा घाव दिखाया अपने हाथ पर। तो राइटर ने कहा, व्हेन आई आस्क्ड व्हाई सी हैड नॉट मेड मोर द ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, उसने पूछा कि ये बताओ, जब हमने पहले पूछा था तो आज चोट के बाद, तब तुमने नहीं बताया इसको। तो सी रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया कि आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी वेन यू वे आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, उसने कहा कि जब आप हम लोगों को बचा रहे थे उस समय हमने आपको दिक्कत मतलब परेशान करने का नहीं सोचा, क्योंकि उस समय आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे थे। आगे देखिए, बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी को द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशेंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स, यानी रेस्ट इन रोटेशन, यानी 3 जनवरी को जो पंप थे हमारे, जो काम कर रहे थे पंप से पानी जो निकल रहा था, अब थोड़ा सा क्या हो गया था, अंडर कंट्रोल हो गया था, नियंत्रित हो गया था, यानी अब उतनी ज़्यादा समस्या नहीं थी, और अब हमारे लिए आराम करने का भी समय थोड़ा सा मिल गया। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि रेस्ट इन रोटेशन, रोटेशन माने होता है बारी बारी से 2-2 घंटे में आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन फिर भी स्टिल लगाए, फिर भी यानी पानी की जो पाइप लाइन थी उसमें कुछ लीकेज था, यहाँ वहाँ पर भी कुछ लीक हो रहा था पानी, मतलब जो पाइपलाइन मतलब बड़ा छेद था। तो ऑन चेकिंग जब मैंने उसको चेक किया, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिम फ्रेम्स वेयर स्मैश्ड डाउन टू द कील, जब जांच करने पर मैंने देखा कि नाव का जो प्रमुख हिस्सा है, जो प्रमुख हिस्सा है यानी कि जो रिम फ्रेम्स है, यानी जो कैंची का ढांचा जो था, टूट कर कहाँ पर गिर गया था, डाउन टू द नील, नील माने होता है मतलब जो फर्श होती है नाव की, जिसको बोला जाता है नोटल, वहाँ पर गिर गया। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, वास्तव में जो दाई ओर का एक हिस्सा था, जो दाई ओर का एक जो हिस्सा था, मतलब वहाँ पर क्या था, अतिरिक्त अलमारियों के, खानों के या और भी किसी चीज़ पर उसका सपोर्ट नहीं था, यानी जो नाव का जो एक दाएं ओर का एक हिस्सा था वो किसी चीज़ पर टिका हुआ नहीं था, यानी उसमें कोई सपोर्ट नहीं था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स, हम लोग जब लहर टकराई उसके 15 घंटे तक हम लोग क्या है थे कि बचे रहे, मतलब लाइफ बच गई। बट वेव वेकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो वेव मेकर नाव है ये ऑस्ट्रेलिया तक तो नहीं पहुँचेगी, इतनी ज़्यादा इसमें लॉन्ग इनफ, इतनी बड़ी नहीं है कि इसको ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच जाए अच्छी तरह सुरक्षित रूप से,
मतलब बचते हुए बच मतलब ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए। यानी वेव मेकर जो थी नाव पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, इसलिए राइटर कह रहा है, नरेटर कह रहा है कि अब इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी अच्छी नाव है कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाए। आई चेकड आउट अवर चार्ट्स, मैंने अपना चार्ट चेक किया और कैलकुलेटर और गणना की, दैट देयर वेयर टू स्मॉल आइसलैंड ए फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कि कुछ दो स्मॉल छोटे छोटे आइसलैंड माने होता है द्वीप, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं उत्तर की पूरब की तरफ। वन ऑफ देम, उनमें से एक इले एम्स्टर्डम है, वाच ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रेंच का वैज्ञानिक केंद्र है। आवर होनली होप वाज टू रीच दिस पिन प्रिक्स इन द वेस्ट वास्ट ओशियन, हमारी केवल आशा थी कि पिन प्रिक्स माने होता है सुई के समान एक छोटी सी जगह, यानी कहने का मतलब ये है कि बड़े विशाल का समुद्र में एक छोटी सी सुई के नोक के समान केंद्र है, वहाँ पर हमारे पहुँचने की आशा थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज एबॉर्टेड सो वी कुड होस्ट सेल, लेकिन क्या था, हवा और जो समुद्र था उसके शांत होने का होने मतलब होने तक हम पाल यानी जो जिससे मतलब नाव चलती है उसको खोल नहीं सकते थे, चला नहीं सकते थे, यानी नाव आगे बढ़ नहीं सकती थी। चांसेज वुड बी स्लिम इंडीड, यानी अवसर बहुत थोड़े थे, अवसर बहुत कम थे। दिस ग्रेट वेव है पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, आशा बहुत कम थी बचने की, लेकिन उस विशाल लहर ने हमारा जो सहायक एक इंजन था, एक्सिलरी माने होता सहायक जो इंजन था, उसको भी क्या कर दिया, क्रियाहीन कर दिया है। यानी एक तो आशा बहुत कम थी और उसके बाद एक विशाल यानी ग्रेट वेव एक बड़ी तेज लहर ने वो जो एक सहायक इंजन था उसको भी एक्शन लेस कर दिया, यानी कि काम करना बंद हो गया। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर कंटिन्यूस पंपिंग, 4 जनवरी को अब बता रहा है कि 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद यानी पानी निकालने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, कि मतलब हमको पता चला कि केवल अब कुछ सेंटीमीटर पानी ही बचा है। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब हमको केवल गति बनानी थी, यानी जिस गति से पानी आ रहा उसी गति से उसको बाहर निकालना है, यानी गति को मेंटेन करना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मस्त, और अब हम नाव नहीं चला सकते हैं किसकी सहायता से, मेन मस्त यानी जो मस्तूल था उससे हम नाव को नहीं चला पा रहे थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड राइजिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड एक्शन ऑफ द हल अपार्ट, सो वी होस्टेड द स्टार्म जिम एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइसलैंड्स वेयर, तो जब हम मेन जो मुख्य मसूल था उसको उससे नाव चला नहीं सकते हैं तो फिर ऐसा करने पर क्या होगा, जो और सामान था जो और उस नाव से संबंधित सामान था उस पर भी दबाव पड़ने लगा, तो जब दबाव पड़ता था तो वो क्या होता था कि वो छोटे छोटे टुकड़े मतलब जो उसमें औजार जो और दूसरे जो पार्ट थे वो क्या होते थे, डैमेज एक्शन ऑफ हल पार्ट, यानी वो भी डैमेज हो जाते थे, टूट जाते थे। इसलिए क्या हुआ, सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिर्म एंड हेडेड फॉर, इसलिए हमने क्या किया, तूफानी जो तिकोना पाल था उसको लगाया और उसी ओर चल दिए जहाँ पर हमने विचार किया था वो दो द्वीप थे, यानी उसी ओर हम लोग चल दिए जहाँ पर हमने देखा था कि दो द्वीप हैं, ओके मतलब वहाँ पर पहुँचेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ व्यवस्था हो जाएगी, नाव भी ठीक हो जाएगी और फिर आगे बढ़ेंगे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, मैरी जो थी उसकी जो पत्नी थी कुछ नमकीन मांस ले आई, बीफ माने मांस होता है, एंड क्रैकर बिस्किट और कुछ कुरकुरे और बिस्किट ले आई, करारे बिस्किट ले आई, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज, और हमने अपना नाश्ता किया भोजन किया लगभग 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद कहने का मतलब यह है कि बराबर लगातार 2 दिन उनका संघर्ष चलता रहा लहरों से, इसलिए उनको टाइम नहीं मिला खाने का। इसके बाद कह रहा है कि बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारा जो विश्राम था बहुत थोड़ा था, एट 4 PM 4 बजे के आसपास था।
यानी 4 बजे के आसपास ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। अब 4 बजे के आसपास फिर से शुरू हो गई प्रक्रिया, कौन सी, काले काले बादल बनने लगे बिल्डिंग अप बिहाइंड सब हमारे पीछे। विद इन द आवर, 1 घंटे के अंदर ही विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स समुद्र गज से हवा चलने लगी। एंड सीज वेयर गेटिंग हायर, और समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, मौसम रात भर खराब रहा, पूरी रात भर खराब रहा। एंड बाई ड्रॉन आवर January 5, और डॉन का मतलब होता है सुबह, और 5 जनवरी की सुबह आवर सिचुएशन अगेन डिस्परेट, हमारी जो स्थिति और ख़राब हो गई, और मौसम ख़राब हो गया, यानी स्थिति और गड़बड़ा गई। वैन आई वेंट टू कम्फर्ट टू द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों को भरोसा दिलाने गया तो जान ने कहा, डैडी वी आर गोइंग टू डाई, डैडी क्या हम लोग मरने जा रहे हैं। आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने उनको भरोसा दिलाने की कोशिश की, दैट वीट कुड मेक इट, कि हम लोग ये संघर्ष झेल लेंगे, हम लोग इस मुसीबत से निकल आएंगे, तुम लोग चिंता नहीं करो। ही वेंट ऑन, उसने फिर से कहा लड़के ने, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम लोग मरने से नहीं डरते हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो हम लोग मरने से नहीं डर सकते। कौन साथ रहेगा, यू आप एंड मम्मी स्वी एंड आई, और मैं। ये किसने कहा, ये जोनाथन जो उनका बच्चा था उसने इनको बताया, कहा कि अगर आप सब लोग मिलकर के साथ रहेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। इसके बाद देखें, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, उसने कहा, मैंने उसके प्रश्नों, मतलब जब उसने ऐसी चीज़ कही तो मैंने उस पर, मेरे पास शब्द नहीं थे, यानी कुछ कह नहीं सका। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन, लेकिन मैंने बच्चों का केबिन छोड़ दिया, डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग, और ये निश्चित किया कि समुद्र से हम किसी भी तरीके से क्या करेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड, और क्या करेंगे, बचाएंगे, मतलब उस नाव को बचाएंगे। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड, और उसको बचाने के लिए, नाव को बचाने के लिए दाएं हिस्से को, जो मतलब कमजोरी जो उसकी, मतलब वहाँ पर कमजोर वाली तरफ, उसको बचाने के लिए। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू हीव टू विद अनडैमेज्ड पार्ट, हल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स, तो जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था उस ओर से लहरें आ रही थी, तो उसे क्या करने का निश्चय किया, बांधने का निश्चय किया है, यानी प्रोटेक्ट करने का निश्चय किया। तथा इसके लिए भारी नायलॉन की रस्सी थी, नायलॉन्स रस्सी थी, उसको मैंने क्या किया, और क्या कहा, हैवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और 22 लीटर मिट्टी का तेल के प्लास्टिक वाले जो खोल थे काम चलाऊ, उससे लंगर बनाने का प्रयास किया। यानी अब वो जो चीज़ डैमेज हो गई थी, दाई तरफ वाला जो हिस्सा डैमेज था, उसको बनाने के लिए उन्होंने नायलॉन रस्सी का प्रयोग किया, और 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक खोल का मतलब होता है पैरेलल, यानी डिब्बे, उनसे लंगर बनाने का प्रयास किया नरेटर ने। इसके बाद कहा, दैट इवनिंग उस शाम मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मैं और मैरी बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रॉट द ब्रोकन प्लैंक्स, और बैठे हुए थे तथा टूटे हुए जो टुकड़े थे नाव के, उससे पानी और अधिक अंदर आ रहा था, मतलब देख रहे थे कि पानी और तेज आ रहा था। तो अब क्या हुआ, तो वी बोथ फेल्ड, तो हमें दोनों को अनुभव हुआ कि दैट एंड वाज वेरी नियर, कि हम लोग अंत क्या है, नज़दीक आ गया है। बट वेव होकर रोड आउट टू स्टार्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी, लेकिन जो वेव मेकर थी, लहरों और समुद्र और जो लहर थी और क्या थी, रोड आउट द स्टार्म, यानी समुद्री लहरों से निकलने में सफल रही, यानी रोड आउट द स्टार्म, यानी जो लहरें थी उस पर निकलने में सफल रही वेव मेकर। और 6 जनवरी को विद द विंड इजिंग,
और 6 जनवरी तक हवा क्या हो गई, थोड़ा धीमी हो गई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। इसके बाद आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, यानी कोई मैंने प्रयास किया टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, यानी सेक्सटेंट पर मैंने कुछ पढ़ने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम, फिर से चार्ट रूम में वापस आया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड चेंजेज ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से मैं काम कर रहा था हवा की गति को चेंज करने के प्रयास में। ड्रिफ्ट द करेंट इन द एफर्ट्स टू कैलकुलेट द आवर पोजिशन, और फिर चार्ट रूम में आकर मैंने क्या किया, हवा की गति, मार्ग में परिवर्तन करना यानी रास्ता बदलना, बहाव तथा धारों जो धाराएं थी उनका हिसाब लगाया यानी कैलकुलेट किया, ताकि जो पोजीशन है रियल पोजीशन है उसका पता चल सके। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वेयर समवेयर इन 50 लाख किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। मतलब ये आई बेस्ट मैं कह रहा है कि मैं अधिक से अधिक ये अच्छी तरह से पता लगा लूँ, लगा सका कि हम 15 लाख किलोमीटर के सागर में कहीं पर हैं, 15 लाख किलोमीटर का जो सागर है समुद्र है उस पर कहीं पर हैं, तथा 65 किलोमीटर द्वीप की खोज कर रहे हैं, यानी 65 किलोमीटर के क्षेत्र पर फैले हुए हम द्वीप की खोज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सुई के नोक के समान वो क्षेत्र था, यानी 15 लाख किलोमीटर का जो समुद्र है क्षेत्र है उसमें वो कितने किलोमीटर का, 60 किलोमीटर के द्वीप की खोज कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी जगह में बहुत छोटी सी जगह वो तलाश कर रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सुई मूविंग पेनफुली, सुई का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो चलकर मेरे पास आई। सुई मूविंग पेनफुली, यानी सुई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था वो मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, यानी उसके सिर के जो बाया हिस्सा था, वाज वेरी स्वेलन, बहुत सूझा हुआ था, फूला हुआ था। ब्लैक एंड आइज नैरोड टू स्लिट, और उसकी जो काली आंखें थी छोटी होकर केवल रेखा चित्र बन गई, यानी कि स्वेलिंग बढ़ गई थी तो आंखें बिल्कुल छोटी सी हो गई थी। सी गेव मी ए कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया, सी हैड मेड, जो उसने बनाया था, यानी उसने एक चित्र बनाया था, वो उस चित्र को दिखाने उसको लेकर के आए। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी, यानी कार्ड पर उसने मैरी का चित्र और मतलब अपने पापा का और मम्मी का उसने चित्र बनाया था। कैसा चित्र बनाया था, कैरिकेचर्स यानी बेंग वाला चित्र बनाया था। एंड विद द वर्ड्स, और कुछ शब्द लिखे थे, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाइफ, उसने लिखा था कि मैं बहुत विचित्र लोग, ये बहुत विचित्र लोग हैं, क्या आपको देखकर हंसी आई, आई लव डेट, मैं भी उसी तरह हंसा जैसे हंसी वाली थी। आई लव एट अलॉट एज, यानी मैं बहुत हंसा। इनसाइड वाज ए मैसेज, और अंदर एक और मैसेज था, ओह ओह आई लव यू बोथ, मैं दोनों को प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, इसलिए इस कार्ड के माध्यम से हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आशा करते हैं कि सब मतलब अच्छा हो जाएगा, और मतलब आशा करते हैं कि सब कुछ